प्रिय जय मसीह की, कैसे हैं? आई एम चौथी वीडियो में आती है, ये भाग नंबर 4 है और परमेश्वर का वचन मैथ्यू या मती 4 अध्याय और उसके 10 पद से स्टार्ट करता हूँ। और 10 पद को हम पिछली वीडियो में बोल चुके हैं और उसका कुछ हिस्सा है, बी पार्ट बोलते हैं, ए बी। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह ने उसे हराया, यीशु मसीह ने उसे भगाया, यीशु मसीह ने उसे डांट दिया, यीशु मसीह ने उसे कहा केवल उसी की उपासना कर और लिखा है उसे प्रणाम कर। वचन की जानकारी थी परमेश्वर को, पुत्र को, और वो खुद वचन था क्योंकि उसी के ऊपर तो लिखा गया था। इसलिए जब आपके पास पूरी जानकारी होगी परमेश्वर की और परमेश्वर के वचन की और शैतान की, तो आप कभी भी फेल नहीं होने वाले, आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होंगे, आप जीत जाओगे जैसे यीशु मसीह जीत गया और शैतान को डांट दिया, दूर हो जा मेरी नज़रों से, मेरे सामने से, कब तक मेरी परीक्षा करता रहेगा, मैं परमेश्वर का जन हूँ। यीशु मसीह ने उसे हरा दिया और लिखा है उसी की उपासना के लिए कह दिया। और प्रणाम करना है तो किसे करना है? परमेश्वर को करना है। और परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए बात की गई है। प्रियो, आगे लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया, दो में हिलाता हुआ चला गया, चुपचाप चला गया, भाग गया, क्योंकि उसकी चाल नहीं चली, उसकी बस नहीं चली, वो कुछ कर नहीं सका, वो हताश होकर, मैं कहूँगा पैरालाइज होकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने से चला गया। आपके सामने से भी भाग सकता है प्रियो, आपके पास अगर सही उत्तर हैं परमेश्वर के पुत्र के नाम में, परमेश्वर के नाम में आपके पास सही उत्तर हैं, तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। मैं आपको श्योरिटी बताता हूँ या सच बोलता हूँ कि आपके सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए लिखा है, आगे लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। अभी तक यीशु मसीह भूखा था, अभी तक उसके पास कोई नहीं था सिवा शैतान के। आत्मा ने उसे भेज दिया था, पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया था, कहा कि आप यहाँ रहो, और वो रात दिन 40 रात दिन लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं खा रहा था। शैतान ऐसे वक्त पर आकर उसे कह रहा था कि इन पत्थरों को कह दे रोटियाँ बन जाए। पहली बात, मैं उसे कमज़ोर करना चाहा। दूसरी बात, मैं कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि ताकत तो है नहीं भाई, हड्डी वड्डी तो पक्का टूट जाएगी जब आपके शरीर में ताकत ना हो, जब आपका शरीर कमज़ोर और ना खाने की वजह से, तो आप जल्दी से गिर जाएंगे और आपको नुकसान होगा, आप टूट जाएंगे, आपको आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। और ऐसा दूसरा वाक्य उसके जीवन में आया। तीसरा था कि अरे ना तो उसने पत्थर को रोटी बनाई है, ना ही इसने अपने आप को नीचे गिराया है, क्यों ना इसे लालच दिया जाए। और लालच क्या था? सारे संसार का विभव दिखाकर ये कहा, दर्शाया गया, ये दिखाया गया, ये बताया गया कि बस तू छोटा सा काम कर दिया, तूने पत्थर को रोटी नहीं बनाया, तूने अपने आप को नीचे नहीं गिराया, बस तू एक काम कर दे, मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे। यीशु ने ऐसा भी नहीं किया, यीशु ने ऐसा भी नहीं कहा, यीशु ने वही वाक्य दोहराया, लिखा है कि केवल परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना कर। जब आप इस तरीके से बात करते हैं प्रियो, यीशु मसीह की तरह, और उसके वचन को जानते हुए, उसे मानते हुए, जब आप संसार में ऐसे तरीके से दुनिया के लोगों के सामने पेश होते हैं या आते हैं, तब लिखा है शैतान भाग जाएगा, शैतान आपकी ज़िंदगी को छोड़ देगा और फिर दोबारा आपके पास नहीं आने का। अगर आएगा तो बड़े प्लानिंग के साथ आएगा, पर आप उससे पहले अपने प्लान को यीशु मसीह के साथ रहते हुए, अपनी रणनीति को अपने यीशु के साथ रहते हुए मजबूत करें और प्रार्थना का जीवन जिए और अपनी परमेश्वर की सामर्थ को प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में लें। तब जब वो आएगा बड़ी रणनीति लेकर, तब भी आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपने भी अपना समय परमेश्वर के साथ बिताया है। अगर उसने रणनीति तैयार करने के लिए ऐसा किया है, बहुत समय तक वो दूर रहा आपसे, लेकिन आप भी परमेश्वर के साथ बहुत समय तक अपने समय देते रहे प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, उपासनाओं में और वचन में, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रिय, आगे बताना चाहता हूँ कि उसके पास से चला गया शैतान और देखो, ये देखना है, सुनना है, समझना है, देखो, जब इतनी बड़ी परीक्षाएं देने के बाद देखो
स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब आप पास हो जाएंगे ना, दुनिया के लोग भी कहे वाह यार तूने बहुत बड़ी परीक्षा पास की है। अगर आप फेल हो जाएंगे तो बोलो बस आ गया। आपको एक छोटा सा विश्वास भी कहेगा अरे अपने आप को बड़ा धार्मिक समझता था और छोटे से पाप में गिर गया, लालच में पड़ गया, परमेश्वर की परीक्षा की, व्यभिचार कर दिया, नशे किए, झूठ बोला, यह हमारी परीक्षाएं हैं आज के समय की। मोह माया लालच यह हमें बर्बाद कर देते हैं और ये शैतान की ओर से दी गई है ना एक योजना और ऑफर है जिसके कारण से हम अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, हम परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षाओं में पास होने के बाद आपके लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजे, दूत को भेजे कि एक भूत को बाहर निकाले आपकी ज़िंदगी से जो शैतान है, अगर आप दूत चाहते हैं तो आप भूत को हराने की कोशिश करें। अगर आप स्वर्गदूतों की मदद चाहते हैं तो दुष्ट आत्मा को हराओ। परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में आप उसके वचन को पढ़ो और वचन की जानकारी रखो और वचन में समा जाओ, वचन को अंदर आने दो, वचन को मनन करो, वचन को खाओ और वचन के लिए जियो। इसलिए कहता कि अगर आप स्वर्गदूत चाहते हैं, यहाँ यीशु के लिए स्वर्गदूत आ गए और उसकी सेवा टहल करने लगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके लिए भी स्वर्गदूत आए और आपकी सेवा टहल करें? और यह होगा, ये कब होगा? जब आप भूत की तरह नहीं, दुनियादारी संसार के लोगों की तरह नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की तरह जिंदगी जिएंगे, उसकी तरह आप परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, आप परखने वाले को समझ पाएंगे, आप किसी भी लालच में नहीं आएंगे, आपको दिखाए गए लुभाने वाली चीज़ों के कारण से आप अपना जीवन खराब नहीं करेंगे। आपको पता है जब स्टार्टिंग हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं वहाँ पर लिखा है इस प्रकार से कि शैतान आया वाटिका के अंदर और ऐसे आ नहीं सकता था, लेकिन किसी ने उसके साथ समझौता किया, सांप के शरीर के थ्रू वो वाटिका के अंदर आया और उसने हवा पे अटैक किया और हवा से कहा क्या सच में ऐसा कहा है कि तू किसी का फल इस वृक्ष का फल नहीं खाना? हाँ ऐसा कहा तो है, छूना भी नहीं ऐसा लिखा है। और उसने कहा नहीं खा सकते, नहीं हम खाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं नहीं मरेंगे नहीं, परमेश्वर आप जानता है तुम खाओ। उसने बोला हाँ रही देखने में अच्छा है, लुभाने वाला है, सब कुछ ठीक है, खा लेते हैं। ये भी कह रहा है देखो ये झूठ झूठ बोल रहा है। कई बार शैतान आपको फरिश्ते की तरह बोलता हुआ दिखाई देगा। शैतान कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पूरी है ना मजबूती के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा है कि आप स्वर्गदूत उसे समझ पाएंगे, पर आप स्वर्गदूत और दूत भूत को स्वर्गदूत और भूत को समझने की कोशिश करें, धर्मी को समझने की कोशिश करें, उनकी चालों को समझने की कोशिश करें, तभी परमेश्वर आपकी मदद कर पाएगा। अगर आप जल्दी से जल्दबाजी में उतावली से कुछ भी करते हैं तो आप जल्दी फंस जाएंगे। अगर आप स्वर्गदूतों को चाहते हैं तो आपको भूत को भगाना होगा अपनी ज़िंदगी से, जैसे यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों की सेवा ली क्योंकि स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा टहल करने लगे, पर उसने एक ऐसे भूत को भगाया जो रात दिन उसे तंग कर रहा था, जिसे बार बार परमेश्वर के परीक्षा करने पर मजबूर कर रहा था, जो पत्थरों को रोटियां बनाने के लिए कह रहा था, जो कह रहा था कि अपने आप को नीचे गिरा दे। आज क्या आप और मैं ऐसा नहीं कर पाते? करते हैं प्रियो, और मैं चाहूँगा कि ऐसा ना करें। मेरी इच्छा है आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ, ये 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे। अगर आप स्वर्गदूतों की सेवा चाहते हैं तो पहले यीशु मसीह की सेवा करें। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज दे तो परमेश्वर का वचन माने और परमेश्वर के साथ जिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बना देंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगी बदल देगा प्रियो। जब आप इसको लगातार वीडियो को देखते हैं तो मैं चाहूँगा परमेश्वर का दास होने के नाते इसके बाद एक वीडियो और मैं इस पर बनाने जा रहा हूँ, आप इसको जरूर देखना, भाग 5 होगा। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते तेरी बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन्हें आशीष दे और कोई भी परीक्षण के ऊपर ऐसी आए तो परमेश्वर ये ना झुके, केवल तेरी उपासना करें, केवल तुझे प्रणाम करें और शैतान के दिए गए वैभव और लालच और जगत के राज्य के दिखाने के बावजूद भी ये तेरे ही राज्य की बाढ़ जाएं और तेरे राज्य में बने रहें और तेरे राज्य की महिमा करें और तेरी उपासना में अपने जीवन जिए। इसलिए इन सब की सहायता कर, अगर किसी के ऊपर कोई परीक्षा है तो उसे पास कर दे और उसकी सहायता कर और शैतान की युक्तियाँ यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए। पिता, वीडियो को देखने वाले प्रत्येक भाई बहन को तू आशीष दे यीशु के नाम से, आमेन।
प्रभु प्रभु आप लोगों को आशीष दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भेज दें ताकि औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हमारा चैनल PGI विनती भवन के नाम से जाना जाता है, आप इसको सब्सक्राइब करें, प्रभु की महिमा के लिए कमेंट करें और साथ ही इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक भी करें ताकि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। प्रभु के महिमा।